दोस्तों, अगर आप कोई एक यूट्यूबर हैं तो डेफिनेटली ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आप कोई गलती से एडिटिंग के टाइम में कुछ पोर्शन को आपने जो ब्लर करना था वो एडिटिंग के टाइम पे नहीं कर पाए, उस वीडियो को प्रोड्यूस किया और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, और अपलोड करने के बाद आपको पता चला यार ये मुझे इस पोर्शन को ब्लर करना था और मैं तो ये भूल ही गया, और उसके बाद क्या होगा, आप तो एकदम सोच में पड़ जाएंगे यार कि मैं करूं क्या, क्योंकि भाई मैं वीडियो को अपलोड किया उसमें सारा मेरा डेटा खर्च हो गया और तो और उसके साथ जो भी टाइम खर्च हुआ वो तो अलग ही है। तो इस वीडियो को आप देखते रहे, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप YouTube स्टूडियो के अंदर जाके अपने उस वीडियो को एडिट कर सकते हैं, मतलब उस पोर्शन में जाके ब्लर इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहते थे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने YouTube वीडियोस के अंदर ब्लर वाला इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने एडिटिंग के टाइम वो चीज़ नहीं कर पाई और उस वीडियो को अपलोड कर दिया अपने YouTube चैनल पे, और उसके बाद आपने कहा यार अब तो सारा डेटा भी गया और सब कुछ गया, मेहनत भी गई, टाइम भी गया, अब तो वापस से उस वीडियो को डाउन करना पड़ेगा, फिर से नया वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके अंदर कुछ इनबिल्ट फीचर है यानी कि वीडियो एडिटिंग का। तो आपको YouTube स्टूडियो के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको ये एडिटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी सा है, और जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे अपने YouTube स्टूडियो बीटा के अंदर आप आ चुके हैं, और वीडियो पे क्लिक करना है आपको, वीडियो वाले सेक्शन में जाना है, और जिस भी वीडियो पे आपको एडिटिंग अप्लाई करनी है मतलब वो ब्लर इफेक्ट, उसको पहले प्राइवेट कर लीजिए, और उसके बाद जो उसके टाइटल उस टाइटल पे आपको क्लिक करना है। तो जहां जब आप उसके टाइटल पे क्लिक करेंगे तो उसके प्रॉपर्टीज़ के मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है सारी खुल जाएगी, मतलब जो भी आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन जो टैक्स जहाँ ऐड करते हैं वो सारा खुल जाएगा, और फिर आपको एनालिटिक्स के नीचे एडिटर का ऑप्शन मिलता है, आपको एडिटर पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको पेज देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप जो भी वीडियोज़ को आप ट्रिम करना चाहते हैं ट्रिम कर सकते हैं, ब्लर इफेक्ट ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप यहाँ से। तो मुझे भाई ब्लर इफेक्ट ऐड करना है तो मैं सिंपल सा ब्लर इफेक्ट को ऐड करूँगा एड ब्लर पे क्लिक करके। जहाँ पे आप एड ब्लर पे क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो खुल जाता है, मतलब एक नया टैब खुल जाएगा। यहाँ पे आप जिस भी सेक्शन पे आप चाहते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक ब्लर फेसेस और एक कस्टम ब्लरिंग। तो हमें कस्टम ब्लरिंग करना है, और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं आप जो प्लेन पॉज है इसको आप स्पेस दबा के आप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के थ्रू, और जिस भी एरिया को आपको ब्लर करना है तो बस आपको उतने पोर्शन को आपको सेलेक्ट करना है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे मतलब जो जो भी पोर्शन चाहिए आपको, जिस जिस पोर्शन पे आपको मतलब वीडियो के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आप ब्लर करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को बस सेलेक्ट करना है आपको, और उतने पोर्शन को आप सेलेक्ट कर दीजिए, और फिर उसके बाद आपको अगर उसका टाइमिंग ड्यूरेशन आपको सेलेक्ट करना है, मतलब कितने ड्यूरेशन तक ये ब्लर हमारा चलते रहे, आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप ब्लरिंग सेट कर सकते हैं। और ये जो आपका ये जो ब्लर इफेक्ट है इसको लॉक करके रखना है, अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है आपके वीडियो के अंदर तो वो ब्लर भी उसके साथ मूव होते रहेगा, मतलब अगर किसी का फेस है तो अगर अनलॉक होगा तो उसके फेस के साथ वो मूव करेगा, अगर अनलॉक नहीं है अगर लॉक कर देंगे तो वो ब्लर इफेक्ट उसी पोर्शन या उसी सेक्शन के अंदर ही या उसी एरिए पे केवल पड़ेगा। तो सब कुछ करने के बाद आपको डन कर देना है, डन करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, और सेव करने के बाद वापस से आपको आके यहीं पे देखना है, मतलब कुछ टाइम लगेगा, उस कुछ टाइम के बाद ही आपको ये जो ब्लर इफेक्ट आपका कम्प्लीटली यहाँ पे शो करेगा। जब तक ये आपका वीडियो रेंडर होता है जैसे आपने वीडियो एडिटिंग में, बिल्कुल वैसे ही काम यहाँ भी होता है, थोड़ा टाइम लगता है ब्लर इफेक्ट अप्लाई होने के लिए। तो सिंपल सा आपको वो सारा काम करके ब्लर ऐड करके डन करके यहाँ पे सेव कर देना है, और बस आपको थोड़ी देर वेट करनी है या फिर एक मिनट दो मिनट जैसे वीडियो की लेंथ होगी उस हिसाब से ये थोड़ा टाइम लेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आके देखना, या फिर अपने जो भी अपना स्टूडियो आप वहाँ पे स्टूडियो में जाके प्ले करके वीडियो को पहले आप खुद देख लीजिए कि वो ब्लर इफेक्ट जहाँ आपने अप्लाई कर रखा है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो सही से काम करता है तो सिंपल सा उस वीडियो को आप पब्लिक कर दीजिए, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइवेट है तो आप इसे पब्लिक कर दीजिए ताकि लोगों को वो वीडियो दिखे, और वो वीडियो सबके लिए वही से दिखेगा जैसा आपने एकदम अच्छे से उस पर ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर दिया है, और जो भी अप्लाई करने के बाद जैसा आपको प्रीव्यू मिलेगा ठीक उसी की तरह आपका ये वीडियोस दिखेगा उन सभी को। दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।